बिहार के स्कूलों में राखी से लेकर छठ तक छुट्टियों में कटौती से बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अररिया में भी शिक्षक संघ के लोग सड़कों पर उतर आए और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि रक्षाबंधन से ऐन पहले छुट्टी में कटौती का फरमान जारी होने पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में विपक्ष एकदम मुखर हो गई है और इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जब पहले से छुट्टी का कैलेंडर तय है तो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा जैसे अवसर पर छुट्टी को कम करना कहीं से उचित नहीं है। इन लोगों ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान बताया है और फैसला वापस लेने की मांग रख दी है। हम लोग अररिया जिला के सभी संगठन के शिक्षक भी शामिल है, ऐसे इसकी अध्यक्षता जो है टीपीएसएस कर रही है। टीपीएसएस के बैनर तले आज यहाँ पर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का पुतला दहन किया गया है। लगातार शिक्षकों के खिलाफ उनकी मनमानी देखी जा रही है। हर दिन सुबह वो अलग फरमान निकालते हैं, शाम में अलग फरमान निकालते हैं, दोपहर अलग फरमान निकालते हैं। दो दिन पहले यह फरमान निकाला गया कि जो रक्षाबंधन है वो 30 की जगह 31 को होगा, इसलिए 31 को छुट्टी दी जाती है। लेकिन फिर एक फरमान निकाल दिया जाता है कि 31 को रक्षाबंधन के अवकाश को रद्द किया जाता है, क्योंकि 220 दिन विद्यालय का संचालन करना है एक साल में। मैं पाठक जी को बताना चाहता हूँ कि पाठक जी, आपको ज्ञान की कमी है, आप एक बार ज्ञान हासिल कीजिए और पता कीजिए, एक साल में 252 दिन विद्यालय चलता है। आप सारे अवकाश को, गर्मी की छुट्टी को, त्यौहार के अवकाश को, रविवार की छुट्टी को, साप्ताहिक अवकाश को माइनस करके भी देंगे तो 253 दिन विद्यालय चलता है। आप किस विद्यालय में पढ़े हैं कि आपको 220 दिन ज़्यादा लग रहा है और 253 दिन कम लग रहा है? आपका ये कहना है कि 220 दिन विद्यालय चलना चाहिए, हम 253 दिन विद्यालय चला रहे हैं, इसके बावजूद आप इस तरह से त्यौहार के मौके पर, आज देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो बहनें हैं, जो शिक्षिकाएं हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, जो शिक्षक हैं वो अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने जाएंगे, ऐसे मौके पर आज जो है ये फरमान जारी करके रक्षाबंधन के अवकाश को रद्द कर दिया गया। और देखिए अररिया शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको ये आदेश मिला है, उसी आदेश के आलोक में वो कर रहे हैं। आखिर ये कैसा फरमान है? पाठक जी को सुबह में नहीं पता था कि रद्द करना है, एक लेटर नहीं निकाल सकते थे? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहते हैं कि शिक्षकों के अवकाश को रद्द कर दो। इसके बावजूद दशहरा में जो अवकाश मिलता था, जो बाहर के शिक्षक है 7 दिन 8 दिन का अवकाश मिलता था, वो त्यौहार में घर जाते थे, उस अवकाश को रद्द कर दिया गया। दीपावली के अवकाश को रद्द कर दिया गया, कई तरह के अवकाश को रद्द किया गया है। यह मनमानी नहीं चलेगी। देखिए शिक्षा विभाग में शिक्षकों को हर वर्ष 60 दिन जो है अवकाश मिलता है, यह अवकाश हर त्यौहार और गर्मी की छुट्टी को मिलाकर होता है। इस अवकाश को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर इस 60 दिन में आप 59 दिन भी करते हैं तो फिर एक अवकाश आपको कहीं से देके 60 पूरा करना होगा। लेकिन के पाठक जी की मनमानी को देख लीजिए, अभी सारे अवकाश को रद्द कर रहे हैं वो, ये मनमानी नहीं चलेगी। और उनके विरोध में हम आज पुतला दहन किए हैं, इसके अलावा लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। वो है राज्य कर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, जिसको लेकर शिक्षक लगातार आंदोलनरत थे और सरकार ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि हम आपके मांगों पर सकारात्मक विचार कर रहे हैं और जल्द ही आपको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के न्यायोचित मांगों से भटका रही है। सरकार चाहती है कि इस तरह का जो है हम तानाशाही पत्रबाजी करवा के शिक्षकों को उसके ध्यान से भटका देंगे। हमारा कहीं भी, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आंदोलन करें, ये करें, हम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार कह रही है कि आपकी मांग है, जायज मांग है, हम उसको पूर्ति करेंगे, सरकार हमारी मांगों को पूरी कर दे और हमें विद्यालय में सही तरीके से पढ़ाने दे। हमें ये फालतू का नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है। जबरन हम लोगों को सड़क पर उतारने के लिए उंगली किया जा रहा है, बार बार पत्रबाजी करके हम लोगों को उकसाया जाता है कि ये लोग सड़क पर आवे, हम लोगों को जबरदस्ती सड़क पर लाया जाता है। आज क्या जरूरी था, जब रक्षाबंधन का छुट्टी हो चुका था, जब पत्र निकल चुका था, हमारी शिक्षिका बहन है, कोई पटना की है, कोई किशनगंज की है, कोई कटिहार की है, कोई दरभंगा की है, वो अररिया में पोस्टेड है, पूर्णिया में पोस्टेड है, वो यहाँ जॉब करती है, यूपी की है, वो अपने घर जा चुकी है वो, लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि छुट्टी रद्द हो गया है। आप बताइए कि इतना 30,000-25,000 उसको वेतन मिलता है, वो किस फ्लाइट से आएगी स्कूल करने के लिए? क्या रक्षाबंधन का त्यौहार पाठक जी के घर पे नहीं होता है? क्या उनको बहन नहीं है? उनको नहीं पूछा कि हमको बहन है, हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो और किसी कोई बहन है, भाई है, उसके प्रति इसको हमदर्दी होना चाहिए? लेकिन नहीं, उन्होंने एक जायज छुट्टी को खत्म किया। इतना ही नहीं, दस कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा है जो हम, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए और बच्चों को आप त्यौहार के दिन जबरदस्ती स्कूल आने कहिएगा, बच्चे स्कूल आएंगे और बच्चे जब त्यौहार के दिन स्कूल आएंगे उनके घर के आस पड़ोस के लोग त्यौहार मनाने जाएंगे और बच्चे स्कूल आएंगे उनका स्कूल में मन लगेगा। जब उसका स्कूल में मन नहीं लगेगा तो ये कैसा बाल केंद्रित शिक्षा होगा? एक तरफ आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों को छुट्टी का जो है आप खात्मा
धरना कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और सरकार को चाहिए कि पहले शिक्षकों का जो मांग है उस मांग पर विचार करें और शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे, अच्छी का स्थानांतरण दे, पूर्ण वेतन मान दे, पुरानी पेंशन दे। और ये जो छुट्टी उट्टी ट्रस्ट करके इधर उधर कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे नियमावली में है। और जो नियमावली में, अगर नियमावली को संशोधन करने का जो राइट है वो कैबिनेट में हो सकता है, कैबिनेट कर सकता है, कोई पदाधिकारी जो है अपनी मन मर्जी से उसमें संशोधन नहीं कर सकता।